को वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मेघ और आप देख रहे मेरे चैनल मेघ इन इंडियन मॉम फ्रॉम असम। तो आज आप टाइटल लेके समझ ही गए कि आज का जो मेरा टाइटल है गेट रेडी विद मी। तो ये मेरा क्लॉक तक मैं देखूंगी, उसके बाद मैं चली आऊंगी क्योंकि इतनी रात तक मैं नहीं रुकूंगी वहाँ पे। मेरा बेटा भी ऑलरेडी है मेरे साथ और मेरे हस्बैंड, हम तीनों ही जा रहे हैं। तो मैंने कभी बॉलीवुड का सिंगिंग स्टार्स को मैंने नहीं देखा, उनके सिंगिंग प्रोग्राम्स, तो ये मेरे लिए फर्स्ट मौका था। तो मैं मिस नहीं करना चाहती थी, मैं देखना चाहती थी क्योंकि मुझे हमेशा से मुझे ये कोई बॉलीवुड की सिंगिंग सिंगर्स को मुझे लाइव प्रोग्राम करते हुए देखना था। तो ये आज मेरा विश पूरा हो रहा है। तो ये मेरे से पास आया था मेरे यहाँ, तो मैंने ये मौका छोड़ा नहीं और इसका फायदा मैंने उठा लिया। तो इसीलिए मैं रेडी हो रही थी, मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ। तो मेरा ये पूरा अगर मेकअप अच्छा लगा तो ये लाइव प्रोग्राम है। देखिए मेरा मेकअप कितना ग्लोई हो रहा है और बिल्कुल लाइट के लिए परफेक्ट मेकअप है। और ये जो आप देख रहे हैं मेरा आई शेडो, ये ब्राउन स्मोकी आई शेडो लुक है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो टोटल यही लुक है। अगर आप लोगों को पसंद है लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मुझे कीजिएगा सब्सक्राइब। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ डालूँ, लेकिन आप लोगों के साथ भी बहुत जरूरी है। बिना आप लोगों के साथ के मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तो प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए आगे बढ़ने में। और ये मेकअप तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और चलिए आप लोगों के साथ मैं सुनिधि चौहान को देखने चलती हूँ आप लोगों को साथ लेके। अगर कोशिश करती हूँ कितनी प्रोग्राम में शूट कर सकती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा गदा नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जितना तक होगा मैं ओबियसली डेफिनेटली मैं करूँगी। अगर नहीं हो पाया तो कोई नहीं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसा था कैसा नहीं था। तो चलिए मेरे साथ, अल्लाह हाफिज़। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि नाइट मेकअप लुक है, तो मुझे नाइट पर यही जाना है। तो आज मैं कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पे कंसीलर और लूज पाउडर से यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे जाना है सुनिधि की प्रोग्राम पे, और जैसे कि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसीलिए मैं सुनिधि की जो कॉन्सर्ट है मैं दूसरे एक ब्लॉग पे ज़रूर डालूंगी। तो यहाँ तो कंसीलर मैंने अपनी जहाँ जहाँ आईडी पर और जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है उसी पर मैंने सेट कर लिया था। और उसके दो या तीन मिनट के बाद जब ये अच्छी तरह से कंसीलर सेट हो जाए उसके बाद मैं यहाँ पर लूज पाउडर यूज़ करूँगी। ये लेकमी का लूज पाउडर है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा बेस देता है, ये दोनों ही काफ़ी है, आपको कोई फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा पिंक कलर लेके यहाँ पे ब्लशन कर लूँगी, बिल्कुल लाइट हैंड से नेचुरल जो दिखे, ज़रा हैवी नहीं करना है। दोनों साइड पे अच्छी तरह से मैं ब्लशन करने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ये स्विस ब्यूटी का ये पैलेट है आई शेडो पैलेट। यहाँ पे लाइट पिंक कलर लेके मैं थोड़ा सा क्रीज लाइन पे यहाँ पे अप्लाई कर लूँगी मैं, और इसको बिल्कुल मुझे हल्के हाथों से ब्लेंडिंग करना है। थोड़ा सा अच्छी तरह से टाइम लेकर ब्लेंडिंग करना है तभी ये अच्छा सा लुक आएगा, कोई हर्ष लाइन नहीं दिखेगा। और उसके बाद ये ऑरेंज कलर जो है उसके ठीक पहले जो पिंक कलर था उसके थोड़ा सा नीचे मैं प्लेस करूँगी, और इसको भी मैं अच्छी तरह से ब्लेंडिंग करूँगी क्योंकि ये दोनों के बीच कोई हर्ष लाइन नहीं होना चाहिए। पहले पिंक उसके बाद ऑरेंज, दोनों में थोड़ा सा अच्छा सा एक स्मूथ लाइन बने। उसके बाद दूसरे आँखों पर भी सेम में अप्लाई कर लूँगी पिंक एंड ऑरेंज। इन दोनों को अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे ले रही हूँ मैं डार्क ब्राउन, ये स्मोकी डार्क ब्राउन आई शेडो लुक है। तो इसको मैं आई लिड पे यूज़ करूँगी। इसको अच्छी तरह से अगर आपको ब्रश की अच्छी तरह से कम प्रोडक्ट लग रहा है तो आप फिंगर टिप से की मदद से भी इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहा है जो ये ब्राउन स्मोकी आई लुक है, बहुत अच्छा दिखता है आपका मेकअप को, पूरी मेकअप को इन्हेंस करता है। तो ये हो गया मेरा आईलिड आईशैडो लुक। उसके बाद मैं थोड़ा सा वाटर लाइन पे यही ऑरेंज और ब्राउन कलर थोड़ा अप्लाई कर लूँगी ब्रश के हेल्प से। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगी अपना दूसरा ब्रश से यहाँ पे मेरा आईब्रोज यहाँ पे बिल्कुल मैं सेट कर लूँगी उसी उस ब्राउन कलर से। देखिए कितनी अच्छी लुक आ चुकी है ऑलरेडी। आईब्रो सेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ। यहाँ पे जेल आईलाइनर लगा लूँगी और थोड़ा सा हाइलाइटर मैं अपनी इनर कॉर्नर पे यूज़ कर लूँगी। उसके बाद लिपस्टिक, और उसके बाद मैं मेकअप फिक्सिंग से अपना मेकअप फिक्स कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं हाइलाइटर यूज़ करूँगी, ये स्टिकी हाइलाइटर है, बहुत ज़्यादा हाइलाइट करता है अपने फेस को। तो रेडी हो गया मेरा पूरा मेकअप। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा ज़रूर। और ये